हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज आपको अपडेट देंगे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का, दिल्ली सेक्शन का अपडेट है ये। और ये वीडियो मैंने शुरू किया है गीता कॉलोनी से, यहीं से शुरू होता है इसका एक्सप्रेसवे वाला पार्ट। यहाँ देखिए मेंशन किया गया, इस फ्लाईओवर से अगर हम जाएंगे तो हम जा पाएंगे देहरादून या सहारनपुर की साइड। इस फ्लाईओवर पर जो स्पीड है, मतलब मेन एक्सप्रेसवे पर जो स्पीड है वो है 100 किलोमीटर पर आवर। और अक्षरधाम से यहाँ तक जो है वो कॉमन है, मतलब वो नॉर्मल स्पीड में ही चलना है, वो एक्सप्रेसवे नहीं होगा वो वाला हिस्सा। अच्छा, ये जो लोकेशन मैंने बताया गीता कॉलोनी है, यहाँ से हम चलेंगे दिल्ली यूपी बॉर्डर तक। आपको अपडेट इसका दिखाएंगे। इस प्रोजेक्ट की टोटल जो लेंथ है वो है 210 किलोमीटर, दिल्ली में अक्षरधाम से लेकर देहरादून तक। और इसकी शुरुआत की थी 26 फरवरी 2021 में नितिन गडकरी जी ने। और उम्मीद है जो दिल्ली सेक्शन है वो नेक्स्ट मंथ, मतलब जुलाई 2024 में दिल्ली सेक्शन ये कंप्लीट जो हो गया है और ये पब्लिक के लिए खोल दिया जाए। कंप्लीट का मतलब ये, इसमें लगभग काम हो चुका है सिविल वर्क, और अब इसमें फाइनल जो इसके टचअप होते हैं वो काम अब हो रहा है। अब ये आप ये व्यू देखिए, शास्त्री पार्क से ये व्यू है। रेलवे लाइन के ऊपर कुछ दिन पहले यहाँ गर्डर्स लगाए गए थे और अब यहाँ डेक्स लेबर काम भी हो चुका है। और इस वाले हिस्से में ये वाटर प्रूफिंग का काम किया गया है। ये ब्लैक टॉप नहीं है, ये वाटर प्रूफिंग की लेयर होती है, पहले वो लगाते हैं डेक्स स्लैब के ऊपर, उसके बाद में डीबीएम का काम होगा इसमें। लोकेशन शास्त्री पार्क से, जहाँ पे ये रेलवे लाइन और दिल्ली मेट्रो की जो लाइन है दोनों के ऊपर से द्वारका एक्सप्रेसवे ने क्रॉस किया है। लगभग 2 महीने पहले ये डेक्स स्लैब क्या यहाँ पे गर्डर्स भी नहीं लगाए गए थे, अब ये लगाए जा चुके हैं यहाँ पर। यहाँ देखिए बीच में जो मीडियन है उसमें जगह जगह इसमें स्पेस है, मतलब ये जो एक्सपेंशन ज्वाइंट है ये यहाँ पर अभी लगाया जाना है। अब हम चल रहे हैं खजूरी खास की साइड में, और यहाँ देखिए जहाँ ब्लैक टॉप जिस हिस्से में हो गया है वहां पर लेन मार्किंग भी कर दी गई है। देखिए मतलब काम काफी इसमें हो चुका है, और जो मैंने न्यूज देखी थी कि जुलाई में इसको शुरू करेंगे दिल्ली सेक्शन को, तो दिल्ली में, ईस्ट दिल्ली में काफी राहत मिलेगी ट्रैफिक में, तो ये चीज बिल्कुल ठीक है। ये सामने है जीटी रोड, अगर यहाँ से लेफ्ट जाएंगे तो आईएसबीटी पहुंच जाएंगे, और यहाँ से राइट हैंड साइड जाएंगे तो शाहदरा गाजियाबाद, और बिल्कुल सीधा यहाँ से जाएंगे तो देहरादून। यहाँ देखिए ये जो व्हाइट मार्किंग है इसकी लेन मार्किंग की जा चुकी है, एक साइड में तो बिल्कुल कंप्लीट दिखाई दे रही है। सफाई अभी होनी है यहाँ पर, क्योंकि अभी पब्लिक के लिए तो खोला नहीं है, ना ट्रायल के लिए खोला हुआ है इसको, तो अभी काम होना है। ये देखिए एक इसका ये एंट्री पॉइंट बनेगा यहाँ पर, ये जो दिखाई देता है लेफ्ट हैंड साइड पे। यहाँ से जीटी रोड से जो लोग जाएंगे शास्त्री पार्क से, यहाँ के लोग इसको इस्तेमाल करते हुए एक्सप्रेसवे पर जा सकते हैं। इसमें एक एडिशनल चीज ये भी देखिए कि कैसे इन फ्लाईओवर में इतनी मजबूती ये लोग बनाते हैं कि एक ही पिलर पे ये खड़ा हुआ है और इतना लोड ये लेगा। तो इस पिलर कैप के अंदर ये देखिए 9 जगह इन्होंने ये सरिये डाले हुए जो कि इस पे इसको पकड़ के रखते हैं इसको, कि जैसे फ्लाईओवर के ऊपर लोड जब आएगा तो उस पर स्ट्रेस होगा, तो ये इसको पकड़ के रखेंगे, कहीं से ब्रेक नहीं होने देंगे। आप इतने बड़े फ्लाईओवर बना देना, 3 लेन, 3-3 लेन दोनों साइड में, एक पिलर सिर्फ नीचे है, नीचे भी स्पेस दे दिया, ऊपर भी इतना स्पेस दे दिया, ये भी बहुत ही कमाल की इंजीनियरिंग है। यहाँ देखिए शास्त्री पार्क से होते हुए हम जीटी रोड की साइड जा रहे हैं, बहुत कंजस्टेड ये जगह है, इसमें इतना बड़ा फ्लाईओवर बना देना ये भी अपने आप में एक कमाल की बात है। बहुत ही तेजी से इन्होंने काम किया है। ये जीटी रोड को हम क्रॉस कर रहे हैं, लेफ्ट में दिखाई दे रहा है जो मैंने एंट्री पॉइंट आपको बताया था वो वाला। इससे आगे यहाँ जाने के बाद देखिए यहाँ तो बिल्कुल ही कंप्लीट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक एग्जिट भी है शास्त्री नगर की साइड जाने के लिए, शास्त्री नगर या शास्त्री पार्क की साइड जाने के लिए एक एग्जिट भी यहाँ अवेलेबल है, ये देखिए। और यहाँ की अगर हम सिचुएशन देखें तो यहाँ तो बिल्कुल ही कंप्लीट ही दिखाई देता है।
यहाँ तो लगता ही नहीं इसमें कोई काम बचा हुआ है कि सभी जो लेन मार्किंग का काम हो चुका है, क्रैश बैरियर सब पे पेंट हो चुका है, साइन बोर्ड भी यहाँ लगभग लग गए हैं, कुछ जगह अभी साइन बोर्ड का काम बचा हुआ है, लेन मार्किंग सभी जगह हो गई है, तो बड़ी तेजी से काम हो रहा है। इस हिसाब से अगर जुलाई की इसकी डेट है दिल्ली में इसको ओपन करने की, तो इसको किया जा सकता है। इसके जो फिनिशिंग का काम है लगभग एक महीने में हो जाएंगे, अगर जुलाई के एंड में भी इसको प्लान करते हैं खोलने का ये, तो भी हो जाएंगे। और बहुत आराम मिलेगा, बहुत भीड़ होती है इन सड़क पे जितनी भी हैं आसपास, बहुत ज़्यादा, और बहुत आराम मिलेगा इससे। ये देखिए जो इसका ये एग्जिट पॉइंट है, यहाँ मेंशन किया गया है शास्त्री नगर और सीलमपुर के लिए इस एग्जिट का इस्तेमाल करें और फ्लाईओवर से नीचे आ जाएं। अब यहाँ से हम चलते हैं खजूरी खास की साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में है यमुना नदी, ये बिल्कुल इसके साथ साथ है। और यहाँ देखिए जैसा मैंने बताया कि काम यहाँ कंप्लीट ही है बिल्कुल ये, और नीचे भी इन्होंने जो एक सर्विस रोड वाला सेक्शन है वो भी लगभग तैयार कर दिया है, और जो लोकल्स हैं उनके लिए वो पहले से भी इन्होंने अच्छा बना दिया है। देहरादून एक्सप्रेसवे का ये पैकेज वन है, फेस वन का, और इसे बना रही है कावड़ कंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसका बहुत ही अच्छा नाम है कि ये बहुत तेज़ी से अपने काम को कंप्लीट करते हैं। जैसे यूईआर टू का पैकेज तीन जो है वो जुलाई 2023 में ही कंप्लीट हो गया था, वो तो इनोग्रेशन उसका 2024 में हुआ मार्च में, लेकिन जुलाई में उसका काम कंप्लीट हो चुका था। यहाँ आगे देखिए एक एंट्री पॉइंट भी यहाँ दिया गया है, राइट हैंड साइड पर दिखाई देगा। तो ये इसके बाद हम आपको दिखाते हैं सरफेस से इसका व्यू दिखाते हैं। ये देखिए सर्विस रोड बिल्कुल यहाँ तैयार है लोकल लोगों के लिए, पहले से काफ़ी अच्छा इन्होंने स्पेस इसमें निकाल दिया है, क्योंकि इसको बनाने में ना काफ़ी टूट फूट भी जो कुछ कब्जे थे वो भी इन्होंने हटाए हैं, मतलब रोड को इन्होंने छोड़ा किया है यहाँ पर। अब इसके बाद जो मैं आपको व्यू दिखाऊंगा वो दिखाऊंगा खजूरी खास का जो चौक है, वहाँ से मैं इसका एरियल व्यू दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे एग्जिट जो दिया हुआ लेफ्ट में दिखाई दे रहा है, ये खजूरी वाले चौक पे जाकर निकलेगा एग्जिट इसका। इसका मैं आपको व्यू दिखाता हूँ ड्रोन से। यहाँ देखिए ये सामने है खजूरी खास का जो चौराहा है, और लेफ्ट हैंड साइड पे ये मेट्रो स्टेशन बन रहा है पिंक लाइन का, ये भी खजूरी खास का स्टेशन है। और इसमें जो डेक्स लेवल वाला काम है, प्लेटो वाला काम है, सब हो चुका है इसमें। लेन मार्किंग देखो एक साइड हो गई, एक साइड बची हुई है। यहाँ देखिए अभी एक्सपेंशन ज्वाइंट ही बचा हुआ है अभी तो यहाँ पर, मतलब काम है लेकिन इतने भी नहीं है कि बहुत लंबा टाइम इसमें लगने वाला है। इनकी कंपनी की जो खुद के व्हीकल्स हैं वो तो इस पे आ जा भी रहे हैं, क्योंकि ये जहाँ एक्सपेंशन ज्वाइंट लगना होता है उसको किसी चीज से फील कर देते हैं, तो इनकी गाड़ियाँ चलती हैं वहाँ पर। ये देखिए जो एग्जिट पॉइंट मैंने आपको अभी दिखाया था, ये इस तरीके से यहाँ पर आकर खजूरी चौक पर मिल जाएगा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस में टोल वाला रोड है, और इस पर टोल लगेगा लोनी में जाकर, मतलब इतने हिस्से में जो इससे बाहर निकल जाएगा वो टोल उसे नहीं देना होगा। जब बिल्कुल सीधा जाएगा देहरादून की साइड तो लोनी बॉर्डर पे इस पे टोल प्लाजा बनाया गया, वहाँ टोल देना होगा। ये वाला स्टेशन है खजूरी खास का। यहाँ से लेफ्ट चले जाएंगे बिल्कुल सीधा तो हम चले जाएंगे सिग्नेचर ब्रिज पर, और अगर यहाँ से राइट हैंड साइड जाएंगे तो बचनपुरा होते हुए हम बाबरपुर की साइड चले जाएंगे, बाबरपुर मोजपुर। पिंक लाइन का भी यहाँ पर नई लाइन बनाई जा रही है। यहाँ देखिए बिल्कुल कंप्लीट है ये, बहुत ज्यादा ऊंचाई है इसकी यहाँ पर भी, मतलब ये लगा लो कि फ्लाईओवर के ऊपर फ्लाईओवर, साथ में मेट्रो लाइन के ऊपर भी, और मेट्रो लाइन जो है उस फ्लाईओवर से और ऊंची है, तो उसे यहाँ क्रॉस किया। यहाँ बहुत ही ज्यादा हाइट है, और एक पिलर के ऊपर इतनी हाइट को देखना, ये देखिए बहुत ज्यादा हाइट है यहाँ पर, मतलब कमाल की जो इंजीनियरिंग है वो है यहाँ पर।
यहाँ आपने अभी देखा कि ये जो सर्विस रोड है अभी कुछ हिस्से में अभी तैयार नहीं था, लेकिन पब्लिक के चलने लायक ये बना दिया। अभी काम यहाँ होना है, थोड़ा सा चौड़ा इसको और किया जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ लगभग ये काम इसमें हो गया है। अब इसका ये वाला जो पार्ट है ये पब्लिक के लिए इन्होंने ओपन किया हुआ है। इसमें हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी एक साइड को लोगों के लिए खोल दिया। यहाँ से देखिए ये वाली जो साइड है, जो कि ये लगा लो देहरादून की साइड से दिल्ली की साइड आने वाला जो कैरिज वे है वो खोल दिया गया है। यहाँ पे एक खराब चीज देखिए, जो एंटी ग्लेयर पैनल्स हैं वो यहाँ गायब है। जैसे हमने एक नए एक्सप्रेस वे पे UER2 पर देखा था, सेम ऐसे ही इस वाले हिस्से में भी कुछ हिस्से में एंटी ग्लेयर पैनल्स गायब है। अभी हम अपने वाली साइड में आ गए, देहरादून की साइड जाते हुए कुछ हिस्सा मुझे खुला मिला, लेकिन मुझे जाना उसी साइड पड़ेगा क्योंकि खुला वही हुआ है। बीच बीच में मीडियन में गैप है, अगर मुझे वापस वहीं जाना है तो मैं यहाँ से निकल के जा सकता हूँ। उसी साइड चलते हैं क्योंकि सभी व्हीकल्स उसी साइड इसमें जा रहे हैं। यहाँ देखिए ये जो एंटी ग्लेयर पैनल्स हैं बीच में देखिए कितने गायब हैं। यहाँ ये तोड़ दिए गए हैं लगने के बाद, मतलब लोग पता नहीं क्यों इससे दुश्मनी निकालते हैं। ये तो फायदे के लिए कि सामने हमें हेडलाइट का रिफ्लेक्शन ना पड़े जो हाई बीम पे गाड़ी चलती है। और देखिए कितने ही जगह यहाँ गायब कर दिए हैं, मतलब लोग घूमने के लिए आते हैं उन्हें तोड़ देते हैं पता नहीं क्यों। ये नुकसान अपना ही है भाई, अपने ही पैसे लगेंगे इसमें। तो भाई लोगों, ये वीडियो था दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का, गीता कॉलोनी से लेके और लोनी बॉर्डर तक यहाँ इसका टोल प्लाजा बनाया गया है। इससे आगे का अपडेट यहाँ से लेके बागपत तक का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाता हूँ। ओके भाई लोगों, आपके सजेशंस और कमेंट्स का इंतजार रहेगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।